चलिए, तो हम लोग पार्ट थर्ड वीडियो में हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट थर्ड वीडियो श्री रियल एजुकेशन सेंटर का जा रहा है। अब तो रितेश सर के पास भी कैमरा वगैरह आ गया है, वो भी आप पढ़ाएंगे, दिखेगा। बोर्ड उर्ड पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं, बोर्ड पे पढ़ाने लगे तो काफी अच्छा हो जाएगा। देखो, और सब्सक्राइब जोर कर लेना, नोटिफिकेशन जाते रहेगा। देखोगे यहाँ पर सी में हम लोग को बताना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? देखो, जो सबसे आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन रहता है ना, उसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फाई। नेक्स्ट है आप लोग का डी में कोर इलेक्ट्रॉन, बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच गए वैलेंस के अलावा वो कहलाएंगे कोर इलेक्ट्रॉन। तो यहां से यहां तक तो बोलेंगे सर 83 था, उसमें से आप फाइव ही ना हटा दिए, मतलब 78। ये जो 78 हुआ ये आपका क्या कहलाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? ध्यान से, ई नंबर में वैलेंसी। तो चलो एक टेबल यहां बना देते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन है तो इसका वैलेंसी होगा वन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू है तो वैलेंसी होगा टू। वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्री है तो वैलेंसी होगा थ्री। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर है वैलेंसी होगा फोर। अगर फाइव है तो क्या होगा? वैलेंसी फाइव भी हो सकता है, लेकिन आप लोग जनरली में याद रखिएगा 8 - 5 कितना हो जाएगा? 3। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 - 6 वैलेंसी होगा 2। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 - 7 वैलेंसी होगा 1। और 8 इलेक्ट्रॉन है अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देन 8 - 8 कितना हो जाएगा वैलेंसी? 0। क्लियर है? हाँ, संयोजकता हिंदी में कहते हैं। तो अब बताओ इसमें कितना होगा इसका वैलेंसी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है? 5। तो 5 के हिसाब से कितना होना चाहिए वैलेंसी इसका? 3। चलो एफ नंबर बताओ क्या है। एफ में हम लोग को बताना है पीरियड। इतना देर से हम इसी क्वेश्चन का इंतजार कर रहे थे। पीरियड कितना होगा दिव्यांश? यस सर। पीरियड कितना होगा? पीरियड बताइए इस क्वेश्चन में। पीरियड और ग्रुप पढ़ाए थे ना 10th क्लास में? यस सर। सारे को देखो, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? 1 है कि 2 है? देखोगे सबसे बड़ा 3 है कि 4 है? कौन है सबसे बड़ा नंबर? सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? देखो सबसे बड़ा नंबर 6 दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? 6। कौन सा बड़ा नंबर दिख रहा है? 6। या फिर ऐसे देखो, यहां देखो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। दो तरीके से हम लोग पीरियड बता सकते हैं। आप देखो के एलिमेंट निकालो तो टोटल के एलिमेंट करके क्लासरूम कितना हो गया? 6। या फिर इसमें देखो जो सबसे बड़ा नंबर है, 6 सबसे बड़ा दिख रहा है, जो सबसे बड़ा नंबर दिख जाएगा वही हो जाएगा पीरियड। और पीरियड को हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से न्यूमरल में। क्लियर है यहां तक? आया समझ में? पीरियड ग्रुप, देखो ग्रुप कैसे निकालेंगे। ग्रुप पहले देखो पीरियड क्या बता रहा है। पीरियड आया 6। ये पीरियड 6 क्या बताता है कि आपने जो पीरियोडिक टेबल बनाया है 83 रोल नंबर का जो एलिमेंट है वो हो ना हो ये 6 नंबर पीरियड में कहीं होगा। कहाँ होगा? वो 6 नंबर पीरियड में कहीं ना कहीं होगा, यहां से यहां तक मौजूद होगा। देखो क्या बताता है पीरियड, क्या बताता है फिर से एक बार देखो। पीरियड 6 आया, वो बताता है कि 83 नंबर जो एलिमेंट है इसी लाइन में कहीं ना कहीं है। कौन सा है नहीं मालूम है, बट ये कंफर्म बता दिया कि इसी लाइन में होगा। आ रहा है समझ में? पीरियड ये बता दिया कि कौन सा फ्लोर पे बच्चा मौजूद है, वो हम लोग को बता दिया। चलो अब ग्रुप देखते हैं, ग्रुप कैसे निकलेगा। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है अजीत? 6P. हाँ, 6P में हम बताए थे एस में जो बच्चा बैठता है ना बहुत बहादुर होता है, सेक्शन ए। पी वाला जो रहता है ना डरपोक रहता है, बोलता है हम एस का हेल्प लेंगे। तो पी के पास कितना स्टूडेंट है? 3। ये बोलता है हम अकेले नहीं रहेंगे सर, हमको एस का हेल्प कीजिए। तो एस यहाँ पर दिख रहा है, देखो तो 6P के पीछे एस यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन,
तो 3 + 2 कितना हो गया टोटल 5। 5 तो हम लोग जो ग्रुप लिखते हैं वो रोमन में लिखते हैं 5। और अभी बताए थे एस और पी में जो बच्चा जाता है वो सेक्शन ए में बैठता है, तो क्या आ जाएगा 5A। फिर से समझो यहाँ पर कैसे निकाले हैं ग्रुप, सभी को ध्यान देना। हम क्यों फिर से बताएं ग्रुप निकालने का तरीका क्या है। ग्रुप निकालने का तरीका है कि आप देखो लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? देखो तो हम लोग देख रहे हैं 6p कहाँ गया है, पी। तो पी में कितना इलेक्ट्रॉन है 3, लेकिन पी क्या है डरपोक है। एस बहादुर अकेले काम करता है, पी अकेले नहीं काम करता है, एस का जरूरत पड़ता है उसको। तो एस अपने बगल में खोजा, उसको एस मिला यहाँ पर, ए देखो यहाँ मिला, यहाँ यहाँ पर हम राउंड कर रहे हैं, यहाँ एस मिल रहा है। तो यहाँ से ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन, हो गया 5। तो ये हो गया 5, लेकिन हम लोग इसको लिखते हैं रोमन में 5। अब सेक्शन क्या, एस और पी ए सेक्शन में रहता है, डी जब आता है तो सेक्शन बी में जाता है। यहाँ पर तो ए पी में ही जा रहा है इसलिए सेक्शन होगा 5A। अब देखो क्या मजेदार चीज है, देखोगे यहाँ पर देखोगे सभी को कितना मजेदार चीज हो रहा है। सुमित आपने पीरियड फाइंड किया, आपने पीरियड कितना फाइंड किया 6, आपने ग्रुप फाइंड किया 5A। देखो 5A यहाँ पर है, ये दोनों लाइन कहाँ कट रहा है, देखो कहाँ कट रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पर। इसका मतलब वो जो 83 नंबर एलिमेंट है, 83 नंबर एलिमेंट है वो कौन सा होगा, ये क्या है सिंबल बोलो, Bi। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है ग्रुप पीरियड के बाद, देखो तो क्या है अगला, जी के बाद क्या है क्वेश्चन, नेचर ऑफ एलिमेंट। चलिए तो हम लोग नेचर ऑफ एलिमेंट बाद में फाइंड करेंगे, एच नंबर क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉप करते हैं अभी। अभी हम लोग का टारगेट है क्या नेचर, हम लोग बाद में फाइंड करते हैं। अभी बोलते हैं सर आई नंबर में क्वेश्चन है कि सिंबल बताना था 83 वाले का, तो 83 वाले का सिंबल क्या आ गया बिस्मथ, और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 83, अभी हम लोग देखे थे। अब आता है नेचर, आ गया समझ में कैसे आया Bi, अजीत आया समझ में, ग्रुप और पीरियड जहां एक दूसरे को कट करेगा, कट करने वाले पॉइंट के पास ही वो एलिमेंट रहता है। तो देखो सीटिंग अरेंजमेंट इसी तरह तय होता है, कितना इंपॉर्टेंट है देख लो हम बता दिए। अब आता है नेचर ऑफ एलिमेंट, मेटल हो कि नॉन मेटल, तो देखो एक हम यहाँ लिस्ट लिख देते हैं यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हो गया नेचर। याद रखना अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वो होगा मेटल, ठीक है, और अगर 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो होगा नॉन मेटल, और अगर वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो होता है तुम्हारा कहते हैं नोबल गैस, और अगर आपका 4 इलेक्ट्रॉन रहा तो जनरली उसको हम लोग मेटलॉइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेटलॉइड, और नहीं होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन वाले को हम लोग नॉन मेटल कहते हैं। तो इसको लिस्ट बना लोगे, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया था 5, इसका मतलब 5 है तो नेचर ऑफ एलिमेंट क्या होगा नॉन मेटल, क्या होगा ये नॉन मेटल, हालांकि है कि नहीं है वो एक वहां पर एक खास एरिया है मैक्सिमम पी वाला में आपका नॉन मेटल और मेटल का एक कर्व आता है। तो चलिए बाद में, अभी तो सिंपल हमको सिखाना है, सिखा दिए। अब देखो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट एलिमेंट क्या है स्ट्रक्चर। तो देखो बिस्मथ का के में कितना इलेक्ट्रॉन गया था, के में कितना इलेक्ट्रॉन गया था 2। तो हम लोग यहाँ 2 गोला बनाएंगे, ठीक है। अब एल में कितना गया था, एल में कितना गया था बोलो 8। तो हम लोग इस पे क्या करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे 1, 2। देखो इलेक्ट्रॉन बैठाने के लिए भी थोड़ा सा इस प्रकार से बनाना, जितना मैक्सिमम डिस्टेंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये एल हो गया। एम एम में कितना इलेक्ट्रॉन है 18। तो बैठ के आप गोला बनाते रहो, लास्ट क्वेश्चन है आप लोग दे दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 आ रहे समझ में।
जितना गोला रहेगा क्लास वाइज आप लोग उसको बनाते जाना। ये हो गया 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, एक और कहीं बैठा हो 18। अगला क्लास में कितना है? 32। तो अगला में कितना गोला बनेगा? 32 गोला बना दोगे। आ गया समझ में? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये अपना बैठ के करते रहना। मैंने आपको सिखा दिया सारा, जितने भी क्वेश्चंस थे सारे आंसर हो गए। जितना क्वेश्चन मैंने दिया था ना वीडियो नंबर 2 में, उसका आंसर ही वीडियो नंबर 3 में यहाँ पर आ गया। बोलो आया कुछ को समझ में या दिक्कत हो रहा है? एक दो क्वेश्चन और बनवाते हैं, जल्दी से लिखो। एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 11 राइट इट्स, क्या था? जो जो था उसमें सारे इसमें लिख दो। क्लियर है? एच के बाद क्या था? नेचर सिंबल ऑफ द एलिमेंट होगा, देन लिख दो सिंबल ऑफ द एलिमेंट। चलिए बनाया जाए। और जी एच आई जे में क्या था? इसका बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है आपको। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका फाइंड करना है। जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, चलिए इसको बताते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर ए में, आप लोग को लिखना है एस पी डी एफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही करना है ना? आप लोग का सीटिंग अरेंजमेंट बताओ। अजीत आप ही बताओ, सबसे पहला सीट का नाम क्या है? वन एस, पहला सीट का नाम क्या है? वन एस। कितने बच्चे बैठ सकते हैं अजीत इस पर? दो। तो बैठा देते हैं टू। आपके पास 11 है, ध्यान रखना मात्र 11 बच्चे को पढ़ बैठाना है आपको। सेकंड सीट का नाम बताओ सुमित। टू एस। टू एस, कितने बच्चे बैठेंगे इसके ऊपर? दो। वेरी गुड। थर्ड बताओ दीपक, थर्ड बेंच। दीपक लगता नहीं है। 2P3S। अभी एक ही सीट का नाम बताएगा ना, तुम दो दो बेंच पे एक साथ बैठेगा पांव फैला के? नहीं 2P। हाँ तो एक ही बेंच पे बैठो ना, तो 2P। कितने बच्चे को बैठा दे इस पर? 6। हाँ 6, क्योंकि इस P बड़ा बेंच है ना, हम लोग के पास 11, दो बच्चे दो दो चार बच्चे बैठ चुके हैं, 16 बच्चे बैठ चुके हैं। अब आता है यहाँ पर प्रिया राज, आप बताओ अगला सीट का नाम। थ्री एस, कितने बच्चे बैठेंगे? वन। देखो कम बैठ सकता है, अधिक नहीं बैठ सकता है, एस में दो बैठ सकता था, लिख तो लिए यहाँ पर, कितना इजी था। चलो बी में सानवी बताओ, क्या बताना है हम लोगों को? के एल एम एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? देखो के एलिमेंट कैसा होता है, वन कहाँ दिख रहा है? वन सिर्फ एक जगह दिख रहा है। वन कहाँ दिख रहा है? सिर्फ यहाँ दिख रहा है। वन के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है? टू। टू कहाँ दिख रहा है? दो जगह दिख रहा है। कितना लिख दे सानवी यहाँ पर? एट। एट यहाँ पर थ्री, कितना हो जाएगा? सर सानवी का नेटवर्क इश्यू है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना हो गया? एक। पता तो चल गया, पहला क्लास में टू, दूसरा क्लास में कितना हो गया? एट। और एम जो क्लास नाम रखे हुए हैं एम फॉर मनीष, यहाँ हो गया कितना? वन। वो तो क्या इजी था ना। नेक्स्ट बोलो, इसके बाद सी नंबर क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए आप लोग सब मिलके बताओ, कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वन। वेरी गुड, जो सबसे बाहर हो गया यहाँ पर। चलो डी नंबर में बताओ, कितना होगा कोर इलेक्ट्रॉन? जो बच गया कोर इलेक्ट्रॉन 10। वेरी गुड। अगला बताओ ई में क्या है? वैलेंसी बताना है ना, वैलेंसी कैसे निकलता है बताओ, वैलेंसी कितना होगा? वन होगा वैलेंसी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन है, वन रहता है तो वैलेंसी वन, टू रहता है तो टू, थ्री रहता है तो थ्री, फोर रहता है तो फोर,
फाइव रहता है तो एट माइनस फाइव थ्री, ऐसे बताए थे हम कुछ। तो यहाँ पर वन है तो टेंशन नहीं है, बैलेंस ही वन। ई इसके बाद बोलो, एफ में बताओ क्या है एफ में, पीरियड। पीरियड बताओ कितना होगा। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन दिख रहा है आपको, वन टू और थ्री में थ्री दिख रहा है, या ऐसे काउंट करो पहला क्लासरूम सेकंड क्लासरूम थ्री क्लासरूम, दैट मीन पीरियड हो गया थ्री। ये थ्री क्या बताता है, ये थ्री बताता है कि जो बच्चा बैठा हुआ है ना वो कौन से फ्लोर पर है, थर्ड नंबर फ्लोर पर है। आ जाओ, कहाँ गया थर्ड नंबर फ्लोर, क्या हो गया इसको प्रॉब्लम। ये देखो आगे इतने सारे स्टूडेंट है थर्ड पे, अब किस कौन है अब ये तो पता करना होगा। ये आपका यहाँ से ये थर्ड नंबर फ्लोर में, यहाँ से यहीं पे कोई स्टूडेंट है ये थर्ड नंबर फ्लोर में जिसका रोल नंबर 11 है। चलो देखते हैं, यहाँ चेक करेंगे हम लोग, मजेदार चीज है सब बताएगा। चलो देखते हैं, पीरियड हो गया थ्री ना, बोलो ग्रुप कितना होगा। वन ग्रुप, ग्रुप 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 निकालते हैं यहाँ पर, ग्रुप कितना हो गया। तो बोलेंगे सर ग्रुप निकालने के लिए देखिए सबसे हम लोग देखते हैं लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एस में गया। एस क्या होता है, बहादुर है, किसी का हेल्प नहीं लेता है। एस के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है, वन। और हम बताए थे ग्रुप जब भी लिखना, ग्रुप जब भी लिखना रोमन में लिखना, और चूंकि एस में जा रहा है तो एस में जाता है तो वन ए में रहता है। अब आ जाओ, पीरियड भी मालूम चल गया, ग्रुप भी मालूम चल गया, तो क्या हम लोग बता सकते हैं वो एलिमेंट कौन सा है। हाँ वो तो 11 है तो इसलिए पता चल रहा है। चलो फिर भी एक बार हम लोग अपने से देख लेते हैं, कंफर्म हो लेते हैं एक बार। ये यहाँ से जाओ और 1A को कट करो, कहाँ कट हुआ, Na के पास कट हो रहा है, जहाँ कट हो गया वही एलिमेंट होगा, नहीं तो Na पता चल गया हम लोग पढ़ने। ये जी H नंबर फिर छोड़ रहे हैं, एस नंबर छोड़ देते हैं, नेचर तो अभी बता देंगे, नेचर क्या होगा हम लोग देख लेंगे, नेचर अभी देखा जाएगा एलिमेंट का। फिलहाल आई हम लोग को पता चल गया कि वो सोडियम है और इसके एटॉमिक नंबर 11 है। नेचर क्या होगा, जिसके ऑटोमोस्ट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहता है मेटल, तो चूंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है इसलिए इसका नेचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेटल। अब देखो आप लोग को पता है सोडियम का के में कितना इलेक्ट्रॉन था, 2, एल में कितना था, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इक्वल डिस्टेंस में बैठाना अगला चैप्टर में आने वाला है, क्यों इक्वल डिस्टेंस में रहना, और A1। तो देखो तो हम लोग सारा का सारा तो बना के बैठ गए, सब कुछ हम लोग का बन चुका है।